मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कल से धार जिले की चार विधानसभाओं में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के फाइनल टच को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा धार के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही साथ मीडिया से चर्चा में राष्ट्रीय राजनीति और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सर, जो मुख्यमंत्री की यात्रा निकाली जा रही है उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस को क्या आप आरोप लगाने से भी रोक दोगे? क्या भला इतने हैं कि उनका इतना भी अधिकार नहीं है लोकतंत्र में? वो आरोप ही तो लगा रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सदैव आरोप लगाते रहें और हम सदैव सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा करें। क्या एक मुख्यमंत्री के आने पर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी? क्या एक मुख्यमंत्री के आने पर अन्यान्य व्यवस्थाएं नहीं होंगी? ये शुद्ध रूप से पार्टी का कार्यक्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में भी निकाला था, 2013 में भी निकाला, और उस समय भी यही आरोप लगाए थे और आज भी यही आरोप लगा रहे हैं। अब 65 पे चिपक गए हैं, हो सकता है इससे नीचे चले जाए। राफेल डील को लेकर 100 से अधिक जगहों पर देश भर में कांग्रेस स्वार्थ भ्रष्टाचार को अनिल अंबानी ने उनको कितना बड़ा चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया कि या तो राफेल को समझो, सरकार को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। सरकार का जवाब निर्मला सीतारमण जी ने सदन के भीतर लोकसभा में और राज्यसभा में भी दे दिया है। क्या कुछ उनके पास? अगर है तो बोफर्स में जैसे हमने सरकार को निकाल बाहर कर दिया था और उनके ही पार्टी के वीपी सिंह बाहर निकले थे, आए मैदान में है कुछ नहीं, चिल्ला रहे बेमतलब में, सदन में जवाब दे दिया। तो ये कहकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। एक भी मंत्री पर आज तक कोई आरोप पिछले 4 वर्ष में लगाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। भाली में एक प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता का बयान है कि जो मध्य प्रदेश है वो बलात्कार की राजधानी बन चुका है। ये तो उन्होंने स्वयं कमलनाथ जी ने कहा, ये बलात्कारी प्रदेश है। जिस प्रदेश ने 37 साल से कमलनाथ जी को सांसद बनाया, उस प्रदेश को अगर वो बलात्कारी प्रदेश कहते हैं तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, यहाँ के 7.5 करोड़ नागरिकों का अपमान किया हूँ मैं। उनके छिंदवाड़ा में बोलकर आया हूँ आज से 5 दिन पहले। इस अपमान का बदला जनता लेगी? क्या ये भाषा बोली जाती है? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई बलात्कार की घटना होती है हम सबका सिर सब से झुक जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे प्रदेश के लोगों को हम बलात्कारी कहें, पूरे प्रदेश को बलात्कार प्रदेश कहें। और इस नादानी भरे बयान का जवाब उनको छिंदवाड़ा की जनता देगी। विधानसभा चुनाव के बाद 2 लोग टारगेट पर रहेंगे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया महलपति और दूसरे उद्योगपति बुजुर्ग नेता मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी। सर, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर पर मेहनत कर रहे हैं, धार जिले में भी लगातार रहा है, वहीं आदिवासी क्षेत्र में जय संगठन सक्रिय हुआ जो सक्रिय राजनीति में अब चुनाव की भी घोषणा कर चुका है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान चरेवती का नाम है, शिवराज सिंह चौहान अनथक परिश्रमी मुख्यमंत्री का नाम है, शिवराज सिंह चौहान गरीबों के आंसू पोंछने वाले मुख्यमंत्री का नाम है, शिवराज सिंह चौहान यानी साफ शब्दों में हर चेहरे पर मुस्कान देने का काम करने वाले व्यक्ति का नाम है। शिवराज सिंह चौहान मतलब एक आशा भरी किरण है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और उनको एक दिन भी बैठा नहीं है वो आदमी। अभी 51 जिलों का दौरा करके आए वो मुख्यमंत्री लोक कल्याणकारी योजना को लेकर, उसके बाद फिर शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए क्या है, अनायास उपजे संगठन जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते। सर, कॉलेज राजनीति में उन्होंने भी अपना वर्चस्व, अरे एक के दुखे जगह कुछ कर लिया। आप पार्टी को देख रहे हो, आशुतोष कहाँ जा रहे हैं, आशीष भाई कहाँ जा रहे हैं? एक दिन थक के केजरीवाल कहेगा मैं ये पार्टी छोड़ता हूँ। मैं बता रहा हूँ, राजनीति एक लंबा सफर है सेवा का। भारतीय जनता पार्टी 21 अक्टूबर 1951 से और वैचारिक रूप से विजयादशमी 1925 से काम कर रही है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। और विश्व की पहली पार्टी है जो प्रतिपक्ष में रहते रहते सत्ता में आई है 2 से 282 तक, अपनी कार्यकर्ताओं की ताकत पर और जनता जनार्दन के सहयोग से हम जीतते हैं। हम किसी कांग्रेस के भरोसे नहीं आए, और इसलिए कांग्रेस अब अनिजी फील कर रही है, बेरोजगार हो गई, उनको लगता है सत्ता रोजगार है।
हम सत्ता को सेवा मानते हैं और राहुल गांधी सत्ता को रोजगार मानते हैं। राहुल गांधी के लिए अंतिम आपका क्या शब्द रहेगा सर? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं, अपनी गरिमा का ख्याल मुझे स्वयं रखना पड़ेगा। आप चैनल में हैं, इतने सारे चैनल्स लेके बैठे हैं, क्या मैं अपने उससे विवादास्पद बनाता रहूं? अगर मुझे अवसर दे रहे हैं आप, तो मुझे समाज के बीच जो अच्छी बातें होती है वो कहना चाहिए। आपके सवाल का लिहाज करते हुए उस सवाल का समुचित जवाब देना चाहिए। अब मैं राहुल गांधी जी के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं कि हे भगवान, एक अच्छे विपक्ष के रूप में काम करें। आपने देखा उस दिन क्या किया उन्होंने, जाके गले मिल लिए और जब आए तो ज्योतिरादित्य ने अंगूठा दिखाया, उनने आंख मार दी, क्या है मजा की। संसद में ये सब हरकतें होती हैं। संसद संविधान का मंदिर है, संसद मर्यादा का स्थान है। अब ये हल्की हल्की बातें करना, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव जी, देवकांत बरुआ जी, सीताराम केसरी जी, ये सब कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। पंडित कितने लोगों के मैं नाम गिनाऊं। अब उस श्रेणी का व्यक्ति अगर ये करने लगे तो अब ये तो उनके हाथ में कैसा रहना चाहते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि हमें जनता का सेवा करने का मौका मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचने का काम किया है और 4 साल में उन्होंने वो काम किए हैं जो भारत के स्वाभिमान और भारत के तिरंगे को एवरेस्ट की चोटी पर लहराने की ताकत पैदा।